बच्चों कैसे हैं? सब ठीक? तो बच्चों अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल भी बोल सकते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। यही होता है ना, क्या होता है ऑक्सीडेशन में, क्या होता है ऑक्सीजन का, क्या होता है एडिशन होता है, एंड हाइड्रोजन का क्या होता है रिमूवल होता है, हाइड्रोजन रिमूव करता है। तो आज उसी पे डिपेंड हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, साथ में उसका मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस अल्कोहल के रिएक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका, इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इसका नोट बनाइएगा और रिवाइज करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। वेलकम टू माय चैनल, मैं मीनाक्षी आ गई फिर से आपके लिए, आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास लेके। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इसे क्या कह सकते हैं, और करके रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या इसे क्या कर सकते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। ये हो गया एक ऑक्सीडेशन को क्या क्या कह सकते हैं, ये मैंने बताया। आप इसका कुछ कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसका करेंगे किस किस पे हम लोग, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल पे, किस किस पे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल इसमें हम लेंगे। इसमें क्या है, दूसरा मेन पॉइंट है, देयर बी अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी नीडेड। इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी हाइड्रोजन हटेगा ना, तभी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा ना। तो क्या है, देयर बी अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी नीडेड, मस्ट बी नीडेड। दूसरा इसमें रिएजेंट किस किस, कौन कौन सा रिएजेंट हम लोग लेंगे, रिएजेंट देख लेते हैं। एक लेंगे Cr2 या, और इसमें रिएजेंट क्या क्या हम लोग लेंगे, CrO3 प्लस CHCl2 या CrO3 प्लस H2O या CrO3 प्लस H प्लस आयन, जो क्या देगा एसिड लेंगे तो H प्लस आयन देगा, या एसिडिक KMnO4 लेंगे, या H2CrO4 जिसे क्या कहते हैं क्रोमिक एसिड, या Cu प्लस हीट, कॉपर प्लस हीट, या PCC। इतने रिएजेंट डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, यानी अल्कोहल से एच हाइड्रोजन गैस का रिमूवल करवाएंगे, ठीक है। आप ज्यादातर CrO4, ये CH2CrO4 जो लेंगे, ये बनता कैसे है, इसका किसका आता है Na2CrO7 प्लस H2SO4 और प्लस H2O, इससे मिलके ये बना होता है, ठीक। तो जब भी हम ये लेंगे तो समझ लीजिए इसमें H2O तो प्रेजेंट है, जब जब इसका यूज करेंगे तो हम H2O का यूज कर सकते हैं। ये रहा मेरा रिएजेंट, ये मेन मेन पॉइंट है।
अब आते ये अल्फा हाइड्रोजन, हमने अभी पढ़ा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जरूर लेना है। अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है? जैसे ये हो गया, मान लीजिए यहाँ सी एच थ्री, ये एच, ये एच, ये ओ एच, ये अल्कोहल है ना, प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ ले ये एच, ये एच, तो इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। एंड इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। आगे बात समझ में, अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? चलिए अब आगे का बताते हैं। चलिए हम लिए पहले प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। प्राइमरी अल्कोहल में एक कार्बन किससे जुड़ा था? ये तो अल्कोहलिक ग्रुप हुआ, इसमें एक गुजरा होगा कार्बन किससे? कार्बन से। एंड दो ठो क्या होगा? एच से। ये हो ना, हम क्या लेंगे यहाँ, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में? सी आर टू ओ थ्री और प्लस सी एच सी एल टू या सी यू प्लस हीट डाल देंगे तभी होगा, ठीक है। ये जो किए तो क्या हो गया, ये एच टू बाहर निकला ना, एच टू बाहर। तो हम लोग का क्या बन गया, देखो यहाँ पे जब ये एच टू बाहर निकला तो क्या हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आके जुड़ गया, जुड़ेगा ना, तो क्या बना, यहाँ डालो एच थ्री सी, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ हो गया एच, यहाँ एच, क्या बन गया ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया ना। फिर अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, मान लो ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसका, ठीक, तो फिर क्या बनेगा, ये एच यहाँ इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये एच हटेगा यहाँ से, ठीक है, एच हटेगा नहीं, ये ओ आके यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच टू ओ डाल के फिर यही सी आर टू, या वाटर के साथ करवाएं यहाँ पे तो सी आर टू ओ यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ बन गया एच थ्री सी, ये सी, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, ये एच, ये क्या बन गया, कार्बोजैलिक एसिड, कार्बोजैलिक एसिड। आप बताओ कि ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करता है? जो किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, पहला में क्या है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो इस पे माइनस चार्ज, तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ये ना इस अल्फा अल्फा हाइड्रोजन के कारण इस पे आएगा माइनस चार्ज, और इस अल्फा हाइड्रोजन के कारण इस पे आएगा माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज, माइनस माइनस क्या है, प्लस वन, माइनस वन कट गया तो बचा क्या, माइनस वन। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ओ एच से डिनोट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है, माइनस वन, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस टू, तो इस पे आएगा प्लस टू। हाइड्रोजन के कारण क्या आया इस पे, प्लस माइनस प्लस वन, सॉरी माइनस वन, ठीक है, माइनस आया, ठीक। तो इस पे क्या चार्ज हो गया, यहाँ पे इसका चार्ज कितना हो गया, ये आ गया यहाँ पे प्लस वन। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो गया, प्लस वन। कहाँ, माइनस वन से प्लस वन पे पहुंचा। अब इसमें देखिए, इस पे माइनस टू है तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस टू, और इस ऑक्सीजन के कारण एक बॉन्ड है, इस पे प्लस वन। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, प्लस वन प्लस प्लस टू इक्वल टू प्लस थ्री। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, इसका मतलब समझ लीजिए क्या हो रहा है, कि कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये प्राइमरी अल्कोहल के केस में, आप लीजिए अल्कोहल ले लेते हैं, ये सेकेंडरी अल्कोहल में लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, दो ठो सी एच थ्री ग्रुप जुड़ा रहेगा किससे, ये सी एच थ्री, यहाँ एच, यहाँ हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसके वजह से, मान लो सी यू प्लस हीट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये दोनों रिलीज होगा, ये दोनों रिलीज होगा तो क्या बना बताइए मेरा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ का बैलेंस शीट टूटा, इसमें इसके साथ बैलेंस बनाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, क्या बन गया, कीटोन बन गया। और जब थ्री डिग्री अल्कोहल लेंगे आर ओ एच, तो क्या होगा, सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी
CH3OH। ठीक, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन, क्या था, तीन अल्फा हाइड्रोजन मिला यहाँ पे, तो इसलिए क्या हुआ, ये टू स्टेप में कार्बोजैरिक एसिड पर बना। यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन था, ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, एक सॉरी यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन था, एक दो, यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो एक स्टेप, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगली बात समझे बच्चों, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो चलिए इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम चाहेंगे क्या, जो डायरेक्ट ये टू स्टेप में नहीं, पहले एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो जाए, ऐसे नहीं हो कि डायरेक्ट क्या हो जाए, प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट एल्डिहाइड बन जाए, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रिएजेंट की। कौन सी रिएजेंट, अभी जो बताए थे, क्या बताए थे, CrO4 बताए थे ना, अभी H2CrO4। अगर H2CrO4 रिएजेंट के रूप में हम काम ले लेंगे, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोजैलिक एसिड, डायरेक्ट एक ही स्टेप में हो जाएगा, जैलिक किसकी रिएजेंट कौन सा चाहिए हमें, H2CrO4। ठीक है, चलिए अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म यहां ले लिए, मान लीजिए ये हम ले लिए अल्कोहल, ये O यहाँ H, ठीक है, ये यहाँ H, ये प्राइमरी अल्कोहल मान लेते हैं, ठीक, और प्लस यहाँ ले लिए क्या, HOCr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O H, H2CrO4 हो गया, ठीक है, ये हम ले लिए, इसकी वैलेंसी है यहाँ लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये दिखाना जरूरी है। तो फिर ये क्या करेगा, जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो यहां से ये टूट के यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकालेगा, क्या करेगा, ये से यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकाला, माइनस H2O हो गया, और इसके साथ ये अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, बन जाएगा क्या, इंटरमीडिएट बन जाएगा, क्या बनेगा इंटरमीडिएट में, चलिए यहां दिखाते हैं, ये इसके साथ जुड़ जाएगा HC, यहां CH3, यहां H, यहां यहाँ ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, ओ तक चला गया है, तो यहाँ पे यहाँ का ओ है, कार्बन का ओ, यहाँ सी आर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ ओ, यहाँ एच, ये बन गया इंटरमीडिएट, क्या बन गया, ये इंटरमीडिएट बन गया। जब ये इंटरमीडिएट बन गया तो यहाँ पे तो मालूम था इसके साथ किसके साथ होता है, Na2O, क्या Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2O, तो हाइड्रोजन हमेशा रहता है, वाटर हमेशा रहता है, तो यहाँ वाटर काट देंगे मॉलिक्यूल, मान लो इसके साथ क्या, क्योंकि ये बेस हो गया, तो उसको हटाने के लिए एसिड चाहिए ना, यहाँ H, यहाँ H, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, जब ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो फिर क्या किया, ये यहाँ से अपना हाइड्रोजन को तोड़ के इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये क्रोमियम जो है सो अपना ऑक्सीजन लेके यहाँ से अलग से तोड़ लेगा, अलग कंपाउंड बनाएगा, तो क्या बना, मालूम क्या बना मेरा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे माइनस क्या होगा, ये पहले माइनस होगा, तो माइनस में है HCr, ये 1, 2, 3 HCrO3, ठीक, एंड माइनस H3O, ये हट गया, ये हटा एंड ये टूट के चला गया, बन गया क्या मेरा, देख लीजिए CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब ये एल्डिहाइड का क्या करेंगे हम फिर से, क्योंकि उसमें क्या है, ऑक्सीजन तो होगा ही, तो ऑक्सीजन के साथ जब करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो ये एल्डिहाइड बन गया, सबको मालूम है, यहाँ पे फिर ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन डाल देते हैं समझने के लिए, यहाँ ओ हो गया, ये एच, ये एच, यहाँ ये हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा,
जब भी अपना लोन पीरियड इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पहले अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ले लेगा, फिर वापस अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या होगा, ये जब इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसपे क्या करेगा, ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये एच प्लस के रूप में निकल गया। जब ये एच प्लस के रूप में निकल गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कौन सा इंटरमीडिएट, ये सी एच थ्री है, सी एच थ्री, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ एच, ठीक है, यहाँ एच रहेगा और ये यहाँ पे एच प्लस के रूप में निकला, यहाँ ओ एच डबल बॉन्ड हो गया तो नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ ये एच टू के रूप में यहाँ से निकल गया और यहाँ बन गया, ये उसमें ओ अटैच हो गया, बन गया, क्या बन गया, कार्बोजेनिक एसिड, कार्बोजेनिक बन गया, ठीक। तो बच्चों ये हम लोगों ने देख लिया कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ये अल्कोहल के केस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आया होगा फिर से बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के देखिएगा, मैं फिर से लिखवा दूंगी, फिर से समझा दूंगी, ठीक है। और तब तक जितना मैं पढ़ाई उसका रिवीजन करते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, मेरा हर एक लेक्चर देखते रहिएगा, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। तब तक टेक केयर, बाय।